रिश्ते की बंदिश है। किसी ने अमल करा दिया। ये रिश्ते लेकर आए थे ना, उसमें से लड़के की जो माँ थी उसने। सानी मैं आई हूँ आपके पास। क्यों, क्या हुआ? रिश्ते के लिए मना कर दिया। ये रिश्ता अब नहीं हो सकता। सर क्या कर रही है? ये सब कुछ तुम्हारे तावीज की वजह से हो। काले जादू का वार है। निमरा बेटा, सुरेख के काले अमल का असर निमरा पर होता है और वजाहत की माँ के साथ वो बदतमीजी करती है, तभी वजाहत की माँ इस रिश्ते के लिए मना कर देती है। ये सुनकर राशिद अपनी माँ को बताता है कि आपके तावीज़ ने तो कमाल ही कर दिया कि वो लड़की वालों ने खुद ही रिश्ते के लिए मना कर दिया। अशरफ और समीना निमरा की हालत देखकर काफ़ी परेशान होते हैं और तब जाके उन्हें पता चलता है कि निमरा पर किसी ने काला इलम किया है। नसीमा जो कि सुरैया को अच्छे किरदार और नेक नीयत समझती है, अपनी परेशानी उसके पास लेकर आती है कि निमरा पर किसी ने काला अमल किया है और आप मेरी मदद करें। वहीं निमरा के हरकतों को देखकर अशरफ भी काफ़ी डर जाता है, यहां तक कि निमरा अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी राशिद आकर उसके हाथ से चाकू छीन लेता है। पैसे की लालच की वजह से सुरैया चाहती है कि निमरा की शादी उसके नाकारा बेटे राशिद से और निमरा उन्हें कमा कर दे। आखिर कब तक सुरैया ये अमल करती रहेगी और इसके बावजूद